नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लेट से इस साल को एक बार फिर से। तो आज मैं लिखा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारा चैप्टर है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन का टाइप वन का एक न्यूमेरिकल है। एक्चुअली में ये जो न्यूमेरिकल है दूसरा, ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी टाइप वन का हमने न्यूमेरिकल कर चुका है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड चेक मत भूलिएगा, तक मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा आप पर लेके आता हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, यानी कि जो हमारी चैप्टर का नाम है दैट इज योर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, यही हमारी प्ले लिस्ट का नाम है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कलीग्स वॉट एवर आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपने हमारे चैनल से कुछ पाया है, आपने अच्छे मार्क्स पाए अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर आपने गेट में बहुत अच्छे मार्क्स पाए, तो एक रिक्वेस्ट बनती है हमारी तरफ से, क्योंकि आपको मालूम है कि इन वीडियोस को लेकर आने में काफी मेहनत लगती है, तो आप दिल खोल के डोनेट कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू कि आप कितना डोनेट करना चाहते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में साथ में लिखेंगे गिवन डेटा, क्योंकि आपको मालूम है भले ये क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता, ओके, बट 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि आप इस तरह से आप ट्रेन हो जाएं कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल छोड़े ना, क्योंकि हम हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हमारे इस वीडियो सेशन में, ठीक है। तो गिवन डेटा जरूर लिखिए, साथ में बनाइएगा डायग्राम। तो एटलीस्ट अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट कर पाते, कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन हार्ड आ जाता है आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते, तो एटलीस्ट गिवन डेटा लिखिए और डायग्राम बनाइए, तो एटलीस्ट देयर में बी अ चांस ऑफ गेटिंग 1 मार्क से 2 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में। तो सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑन सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अ शॉर्ट टिम्बर पोस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज वन साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ट्वाइस द अदर। देखिए यही चीज है इसमें जो समझना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रेक्टेंगुलर है, याद रखिएगा। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है, ओके, कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ओके, ये हो गया, ओके। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हैं, उसको मैं एक अलग कलर से आपको बताऊंगा। क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, एक टिम्बर है, मतलब एक टिम्बर का ब्लॉक है, या फिर एक टिम्बर पोस्ट है, छोटा सा टिम्बर पोस्ट है, या फिर एक रेक्टेंगुलर आपका लकड़ी का टुकड़ा है जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक रेक्टेंगल को रिजेंबल करता है। आपने देखा होंगे कि मेरा जो पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपका रॉड था, स्टील रॉड था, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 या फिर पाई आर स्क्वायर। बट यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया लकड़ी का टुकड़ा जो है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में है, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपके रेक्टेंगल को रिजेंबल करता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके। तो अब क्या दिया हुआ है, जिसमें जिसकी एक साइड, तो आप ये वाली लेंथ को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, वो सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया के डायमेंशंस की बात कर रहा है, जिसका एक साइड जो है इस क्रॉस सेक्शन एरिया का वो ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है दूसरे का, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं ये वाली लेंथ को एक्स मान लेता हूं, तो ये वाली क्या हो जाएगी, 2 गुना, यानी कि 2x, क्लियर हो गया ये, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गया। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ, इसका जो एरिया होगा इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का, जहां पर फोर्स पड़ने वाली, एक्चुअली एक्सियल फोर्स, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र नहीं किया, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है आपकी 2x, ओके, इनटू ये ब्रेड्थ क्या होगी x, ये तो x होगी ना हमारी, तो दिस इज योर x, तो एक बार और x कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो दैट इज योर 2x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो लेंथ है दैट इज दे हैव गिवन 2x, ओके, एंड ब्रेड्थ या फिर विड्थ बोलेंगे दैट इज योर x, ओके। आगे क्या बताया हुआ, व्हेन द पोस्ट इज लोडेड एक्सियली विद 10 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 0.052 mm फॉर 1 मीटर लेंथ। जब इस ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, जब इसको लोड किया जाता है एक एक्सियल फोर्स के साथ, वो भी 10 किलो न्यूटन की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है 1 मीटर लंबाई के लिए। तो देखिए आपकी जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, मैं काम करता हूं इसमें भी एक अलग कलर बताता हूं आपको, तो जो फोर्स लगाई जा रही है इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगाई जा रही है, कितनी लगाई जा रही है, एक यहां पे लग रही है, एक यहां पे लग रही है, ठीक है। अभी कितनी लगाई जा रही है मैं ये बताता हूं आपको, दिस इज 10 किलो न्यूटन, यहां पे लिख देता हूं दिस इज 10 किलो न्यूटन, और फोर्स की वैल्यू जो है, काम करता हूं इसको, मैंने 2 लिखना था, ठीक है, ओके। फोर्स की वैल्यू हम पी से डिनोट करेंगे, तो कितनी दी है 10 किलो न्यूटन, ओके। और क्या दिया हुआ है, ओके, अब उसकी वजह से क्या हुआ, देखिए यहां पर एक चीज हमने एरो रॉन्ग लगा दी है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब देखिए अगर इसको दोनों फोर्स का यूज करके खींचेंगे तो इलोंगेट होगा, यानी कि लंबा हो जाएगा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दैट मींस ये फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, यहां पर नहीं चाहिए भाई,
ये अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, क्लियर हो गया? ओके तो ये हो गया 10 किलो न्यूटन, दैट मीन्स ये जो टिम्बर है, जो आपके लकड़ी का टुकड़ा है, ये कॉम्प्रेशन में है, टिम्बर इज इन कॉम्प्रेशन, यानी कि दब रहा है ना, ओके तो इसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ आया, चेंज इन लेंथ को डेल एल बोलते हैं, कितना आया, दिस इज 0.0521 mm, हो गया ये क्लियर? ओके लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, देखिए 1 मीटर, तो यहां पे लिख लेता हूं फिफ्थ एल इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि इसकी जो ओरिजिनल लंबाई थी वो कितनी थी, 1 मीटर थी, जब तक हमने फोर्स नहीं लगाई थी। ओके तो क्या पूछा, कैलकुलेट द सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द पोस्ट, ये जो डायमेंशन दी ना एक्स, यानी कि 2x, और ये x, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है रेक्टेंगल का जिसपे फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, उसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन सीधे सीधे बोल रहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि 6, या फिर बोल सकते हैं एरिया फाइंड आउट करना है, क्लियर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और कुछ तो नहीं दिया हुआ, लगभग कुछ और दिया हुआ है, लेट मी चेक, इस क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया, मैंने जो कुछ पढ़ा नहीं, हाँ सॉरी मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, इसमें आगे पढ़ना तो रह गया, इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कितनी दी हुई है, दैट इज योर 12 GPa, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो E इज इक्वल टू 12 GPa, याद रखिएगा, ये हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और इसको कहा जाता है E, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कितना क्या बोलते हैं, हमारा सेक्शनल डायमेंशन रहेगा, यानी कि x और 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, आइदर आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए या फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। लेट मी चेंज माय दिस वन कलर, स्केच पेन से अच्छा नहीं चल रहा ये, ठीक, ओके तो सिंपल है, देखिए आपको मालूम है एक चीज, दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। अब ये सिग्मा क्या है, दैट इज योर नॉर्मल स्ट्रेस, ध्यान से लिखिएगा सारी चीजें, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ओके सिंपली मैंने ऑलरेडी हर एक वीडियो पे नॉर्मल स्ट्रेस बताया, ओके और ये ई क्या होता है, स्मॉल ई, दैट इज योर लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, ओके अगर आप देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, पी अपॉन ए, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके अगर आप इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, पी अपॉन ए, और ये जो डेल एल अपॉन एल है, एल पलट के उल्टा हो जाएगा एल अपॉन डेल एल, तो इस तरह का ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि जो ई है दैट इज योर पी अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल एल। अब हम देखेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ये करना है, ओके तो एरिया अगर चाहिए तो ई को आप नीचे लेके आइए, पी अपॉन कैपिटल ई इंटू एल अपॉन डेल एल, हो गया, ओके पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है, 10 किलो न्यूटन, तो 10 लिखा, ओके किलो को एब्जॉर्ब करा लीजिए, तो दैट इज अ किलो मीन्स 1000, ओके हो गया ये, ओके आगे क्या, एल ओरिजिनल लेंथ क्या है, दैट इज अ एल, याद रखिएगा हमें मीटर में नहीं लेना है, याद रखिएगा जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो भी कंपोनेंट हम डिजाइन करते हैं, जो भी मशीन का कोई भी पार्ट हम डिजाइन करते हैं वो बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो स्पेशली अगर हम डायमीटर से डील कर रहे हैं, स्पेशली हम एक छोटे से टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ऑलवेज हम बात करेंगे लंबाई या डायमीटर या वेथ कुछ भी है वो mm में ही लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलते हैं, पाइप का जो लेंथ होता है वो काफी मीटर्स में होता है, तो वहां पर हम SI यूनिट यूज करते हैं ज्यादातर लेंथ की, ठीक है, यहाँ पे हम mm में यूज करेंगे, एरिया लेना है तो mm स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो ये जो लेंथ है 1 मीटर दी हुई है, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है, हम इसे mm में फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, सो 1 मीटर को mm में बनाने के लिए हम सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी 1000, क्लियर हो गया, ओके नीचे क्या है, ई की वैल्यू दी हुई है 12 GPa, याद रखिएगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, GPa की जगह पे किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, GPa को किसके बराबर होता है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, हो गया, तो ई की वैल्यू अब क्या हो गई, 12 KN पर mm स्क्वायर, किलो को हम एब्जॉर्ब करा लेंगे 12 × 1000, हो गया, ओके न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, ओके इंटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है, ये दिया हुआ है, दिस इज 0.0521, याद रखिएगा, देखिए वो भी mm में दिया हुआ है, ओके अगर आप इसे सॉल्व करेंगे लगभग सबको, तो ये जो एरिया आएगा यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर एरिया इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, ये हां एरिया इज नथिंग बट 1599 4.88, क्लियर हो गया, ओके अब आपको मालूम है कि एरिया क्या है हमारा, दैट इज योर 2x स्क्वायर, ओके तो जैसे 1599 4.88, अभी देखिए एक चीज मैं बताने वाला था कि ये जो एरिया होगा तो डेफिनेटली इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, mm स्क्वायर होनी चाहिए, आई कैसे यहां पे देख लेते हैं, ओके 10 की यूनिट क्या थी, न्यूटन, याद रखिएगा किलो हमने एब्जॉर्ब करा दिया, ओके ये क्या, ये किसकी यूनिट है, ये लेंथ की है, तो ये हमने mm में ले लिया है, ठीक है, और ई ई की यूनिट क्या है, किलो को हमने एब्जॉर्ब करा लिया, तो न्यूटन नीचे mm स्क्वायर आएगा तो वो पलट के ऊपर आ जाएगा mm स्क्वायर, ओके नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया
12 किलो, ये तो किलो था, 12 की यूनिट मैंने लिख दी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एमएम स्क्वायर पलट के ऊपर आ गया। ओके ये इसकी यूनिट क्या है, ये तो एमएम है, तो ये देखिएगा तो क्या बच गया, देखिए न्यूटन न्यूटन कैंसिल, एमएम एमएम कैंसिल, कितना बचा एमएम स्क्वायर, ये एमएम स्क्वायर लिख दिया। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1599 4.88, तो नीचे आ जाएगा। ओके अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो ये देखिए एरिया तो आ गया, एरिया सॉल्व हो गया। अब बारी हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे और फिर इसका रूट मार दोगे 1599 4.88 डिवाइड बाय 2, तो देयरफॉर x जो डायमेंशन आ रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना है भाई, दिस इज कमिंग आउट टू बी 89.428 mm। तो दैट वाज योर आंसर। तो ये जो था आपकी थिकनेस लगभग 90 mm की है, 90 mm मतलब 9 सेंटीमीटर, तो इसका दो गुना लगभग 90 हो गया ना, ये तो लगभग 90 mm हो गया, 89.428 है तो ये लगभग 90 mm का हो गया यानी कि 9 सेंटीमीटर का, और ये हो गया इसका दो गुना यानी कि 18 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।